लुगेस मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। देवोलीना भट्टाचार्य और निशांत भट्ट में हुई है धमासान लड़ाई। क्या है इस लड़ाई का कारण, चलिए आप लोगों को बताते हैं। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कीजिए। घर के अंदर नॉमिनेशन टास्क हुआ है, कौन कौन इस हफ्ते नॉमिनेट हुआ है, बहुत जल्दी मैं अपनी वीडियोस के जरिए उसकी जानकारी आप तक पहुंचा दूंगी। इन सब चीजों के चलते हुए जो है वहां पर काफी सारी चीजें एक्चुअली में देखने के लिए मिली, जहां पर देवोलीना भट्टाचार्य भी इन्वॉल्व थी, वहां पर तेजस्वी भी इन्वॉल्व थी, शमिता भी इन्वॉल्व थी और उसी दौरान ही वहां पर प्रतीक भी इन्वॉल्व थे और निशांत भट्ट भी इन्वॉल्व थे। निशांत भट्ट ने ये बात कहीं ना कहीं ये बात बोल दी कि देवोलीना जो है वो काफी सारी चीजें अलग कर रही थी, वो नीचे उतरना नहीं चाहती थी, कुछ नीचे जाना था, बॉटल तोड़नी थी, बॉटल उठानी थी, ऐसा कोई टास्क था जिसकी जानकारी मैं बहुत जल्दी दे दूंगी। जब निशांत भट्ट और देवोलीना भट्टाचार्य में लड़ाई हुई, उससे पहले तेजस्वी प्रकाश देवोलीना से बात कर रही थी। तेजस्वी प्रकाश ने खुद बोला कि निशांत भट्ट ये बात बोल रहा था कि देवोलीना बोल तो रही थी कि भाई नीचे उतरना है, पर वो उतर नहीं रही थी। इस चीज पे देवोलीना भट्टाचार्य काफी ज्यादा भड़क गई और उसके बाद निशांत भट्ट को बोलने लगी कि तू गद्दार है, तेरे से दोस्ती तू दोस्ती करने के लायक नहीं है, तेरे में हिम्मत है तो तू मुंह पे बोल। जहां पर निशांत भट्ट का कहना यह है कि भाई मैं तो मुंह पे ही बोल रहा हूं, और वहीं पर प्रतीक का कहना यह है कि भाई थोड़ा बहुत तो डाउट जरूर होगा ना, अगर आप कुछ कर रहे हो और उसमें थोड़ा बहुत आनाकानी कर रहे हो तो थोड़े बहुत तो डाउट रखे जाएंगे जरूर। जहां पर निशांत भट्ट और देवोलीना में इतनी ज्यादा लड़ाई हुई इस कारण को लेके कि भाई तूने मेरी पीठ पीछे जाके ऐसी बात क्यों बोली, तेरे में हिम्मत है तो मेरे मुंह पे बोल, मैं ऐसा नहीं कर रही थी, मैं राखी को इशारा कर रही थी और राखी जो है वो मुझे देख नहीं रही थी, वो मुझे इग्नोर कर रही थी। जहां पर वो काफी सारी बातें ऐसी बोलती हुई नजर आई और वहीं पर मुंह बंद करवाते हुए नजर आए निशांत भट्ट, और निशांत भट्ट जो है तेजस्वी प्रकाश के साथ भी लड़ बैठे। और निशांत भट्ट का कहना यह है कि मैं इसके साथ कोई गेम की बात करता तक नहीं हूं, और ये बंदी ऐसी इसकी दोस्ती देख ली, मुझे दोस्ती दिखाएंगे, मैं जैसा हूं मैं वैसा ही हूं, कोई मेरे को बताएगा नहीं कि मुझे क्या करना और क्या मुझे नहीं करना है। तो ये सब चीजें हुई सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेशन टास्क को लेके। नॉमिनेशन टास्क में निशांत भट्ट ने देवोलीना के बारे में कुछ ऐसी बात बोल दी जो कि देवोलीना को गवारा नहीं हुई, जो कि आने वाले एपिसोड में आप लोग धमासान लड़ाई इनके बीच में होते हुए देखेंगे, जहां पर देवोलीना जो है काफी ज्यादा रोएगी, जहां पर रश्मि जो है उनको गुफा में संभालती हुई भी नजर आएगी और तेजस्वी प्रकाश भी निशांत भट्ट के ऑपोजिट खड़ी हो जाएगी और वहीं पर देवोलीना का साथ देती हुई नजर आएगी। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।